एक कहानी यह भी। हमारे इस चैप्टर में लेखिका मनु भंडारी जी अपने बचपन से जवानी तक के सफर को बताती हैं। वो बताती हैं कैसे उन्हें हिंदी साहित्य से इतना प्यार हो गया और ऐसा क्या हुआ कि उनके पिता, जो लेखिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, वो लेखिका को सारे भाई बहनों में सबसे ज़्यादा चाहने लगे। तो बेसिकली ये कहानी है हाउ लेखिका बिकम पापा की परी। तो यात्रीगढ़ अपनी सीट बेल्ट बांध लो और चलो चैप्टर शुरू करते हैं। कहा था ना सीट बेल्ट बांध लो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेखिका बताती हैं, शुरुआत में हम इंदौर में रहा करते थे। वहाँ हमारे पिता बड़े ही संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कांग्रेस पार्टी से जुड़े होने के साथ साथ वे समाज सेवा से भी जुड़े थे, लेकिन बिजनेस में किसी अपने के द्वारा धोखा दिए जाने पे वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए और पैसे ना होने की वजह से वो घर कारोबार सब बेच के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से राजस्थान के अजमेर में आ बसे। अजमेर में उन्होंने बहुत से बिजनेस किए, लेकिन नाकामी के अलावा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। और वो व्यक्ति जो कभी बहुत ही पॉजिटिव हुआ करते थे, धीरे धीरे वो बेहद ही जिद्दी और क्रोधी होते चले गए और बिना बात के ही अपना गुस्सा हमारी माँ और हम पर निकालने लगे। लेखिका बताती हैं, हमारे परिवार में हम 5 भाई बहन हैं, जिसमें से हम 3 बहनें और 2 भाई थे। इन 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी। और वो बताती हैं, जब वो सिर्फ 7 साल की थी, तभी उनकी सबसे बड़ी दीदी की शादी हो गई। और वो उस समय इतनी छोटी थी कि उन्हें तो याद भी नहीं है कि उनकी बड़ी दीदी की शादी कब हुई थी। लेखिका बताती हैं, बड़ी बहन के बाद हमारे 2 भाई थे जो पढ़ने के लिए शहर चले गए थे। अब घर में बची 2 बहनें, एक तो लेखिका और दूसरी उनकी बड़ी बहन सुशीला। लेखिका बताती हैं, बचपन में वो बहुत ही काली थी और उनकी बड़ी बहन सुशीला लेखिका के मुकाबले काफ़ी गोरी थी, जिस कारण उनके पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते थे और हमेशा उन्हें नीचा दिखाया करते। लेखिका बताती हैं, इस हीनता की भावना ने ही कहीं ना कहीं उनके दिल में कुछ बड़ा कर जाने की, कुछ बड़ा बनने की लगन उत्पन्न की। और स्कूल के उन दिनों में उन्होंने बहुत सी उपलब्धियां हासिल करी, परंतु इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब उनकी बड़ी बहन सुशीला की भी शादी हो गई, तो अब लेखिका 5 भाई बहनों में घर में बिल्कुल अकेली थी। तो उनके पिता का ध्यान आखिरकार लेखिका पे केंद्रित हुआ और पिता ने लेखिका को समझाया कि रसोई में समय खराब मत करना, और उन्होंने ही लेखिका को देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। और जो कि लेखिका के पिता कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, तो उनके घर में अक्सर ब्रिटिशर से छुप छुप कर राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग्स हुआ करती थी। लेखिका के पिता उन्हें भी बहस में बैठाते और उन्हें भी अपनी बात रखने को प्रोत्साहित करते, जिससे उनके अंदर भी धीरे धीरे देशभक्ति की भावना जगती चली गई। और सन 1945 में जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो उनकी हिंदी प्रोफेसर शीला अग्रवाल ने लेखिका के मन में न सिर्फ हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि देश के लिए कुछ कर जाने की प्रेरणा भी जगाई। और सन 1946 से 47 में जब देश के कोने कोने में ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह चल रहे थे, उन दिनों लेखिका ने भी घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। वो हड़ताल, जुलूस और भाषणों में भी भाग लेने लगी, और धीरे धीरे उन्हें देख कॉलेज की और भी छात्राएं उनसे प्रभावित होने लगी और वो भी हड़ताल और जुलूसों में हिस्सा लेने लगी। अब इसे देख कॉलेज के प्रिंसिपल को रहा नहीं गया और प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाकर शिकायत की और कहा कि वो कोई एक भी वजह बता दें जिससे वो लेखिका को कॉलेज से ना निकालें। वो ना सिर्फ हड़ताल, जुलूसों और भाषणों में हिस्सा लेती हैं, बल्कि बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। और आज तो ये हालत हो गई है कि उनके एक इशारे से कॉलेज के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये सुनकर लेखिका के पिता क्रोधित होने के बजाय खुश हो गए और उन्होंने कहा, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए ऐसे ही तो लोगों की ज़रूरत है। जिसे सुन प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कह सके और लेखिका के पिता गर्व से सीना चौड़ा करके कॉलेज से वापस आ गए। लेकिन एक बार की बात है, जब लेखिका अजमेर के एक व्यस्त चौराहे में भाषण दे रही थी,
जिसे उनके पिता के दोस्त ने सुन लिया और घर आकर उन्होंने उनके पिता के कान भरने चालू कर दिए और कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी बेटी को मान मर्यादा का कुछ लिहाज है या नहीं? लड़की होने के बावजूद भी सारे समाज के सामने ऐसे भाषण देना, लड़कों के साथ रैलियां करना, जुलूस निकालना भला शोभा देता है क्या? ये सारी बातें सुन लेखिका के पिता आग बबूला हो गए। लेकिन लेखिका के घर पहुंचने से पहले ही उनके पिता के बेस्ट फ्रेंड घर पहले ही पहुंच चुके थे और उन्होंने लेखिका की बड़ी तारीफें की और कहा, तुम्हें पता है मैं अभी तुम्हारी बेटी का भाषण सुन के आ रहा हूँ, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अपनी बेटी पर। अब अपने दोस्त से अपनी बेटी की इतनी तारीफें सुनकर उनका मन आखिरकार शांत हो गया। और जब लेखिका घर पहुंची और उनकी माँ ने उन्हें सारी बात बताई तो वो तो डर ही गई थी, अगर उनके पिता के बेस्ट फ्रेंड नहीं आते तो पता नहीं क्या ही होता। खैर, सन 1947 में मई के महीने में कॉलेज ने लेखिका के समय 2-3 छात्राओं को एडमिशन देने से इनकार कर दिया और उनकी हिंदी प्रोफेसर शीला अग्रवाल को भी कॉलेज से निकाल दिया। लेकिन इसके बाद लेखिका और कॉलेज के बाकी सारे स्टूडेंट्स ने बाहर हुड़दंग मचा दिया और आखिरकार कॉलेज को उन्हें प्रवेश देना ही पड़ा, लेखिका बताती हैं। लेकिन ये खुशी कुछ भी नहीं थी देश की आज़ादी की खुशी के सामने। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर एक कहानी यह भी। तो चलो इस चैप्टर कुछ MCQ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? ऑप्शन ए गरीबी के कारण, ऑप्शन बी चिंता के कारण, ऑप्शन सी अपनों के विश्वासघात के कारण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी अपनों के विश्वासघात के कारण। और ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए शैक्षणिक, ऑप्शन बी समाज सुधार, ऑप्शन सी लेखन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी समाज सुधार। और ये रहा आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे। लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने और बिगाड़ने में किसका योगदान रहा है? ऑप्शन ए माँ का, ऑप्शन बी प्रिंसिपल का, ऑप्शन सी पिता का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी पिता का। तो बस यहीं पे खत्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।